Good morning, dear students. Welcome to English class once again. I am your English teacher, Priti Chavda, welcomes you all in our English class. In today's class, we are going to read our lesson 4. And what is the name of the lesson? Okay, just take out your books and then you will find out what is the lesson 4. Just take out your books fast. So, dear student, our today's topic is chapter 4 from semester 1, and the name of the chapter is A Tiger Tells His Story. Aapka chapter 4 hai aur chapter 4 ka naam hai A Tiger Tells His Story. Matlab yahan pe ek tiger apni puri story bata raha hai uske bare mein. Jaise aap apne bare mein batate hai na, aise yahan pe tiger khud ke bare mein bata raha hai uski story. So without wasting more time, we will read our chapter. So just open your book and focus on the chapter. Take it out. So my dear student, this is your chapter, A Tiger Tells His Story, first page, and page number is 34. So here you have seen in the starter kit, there are so many different type of tiger, lion, panther. Yeah, aap dekh rahe hain. Ho sakta hai ki isme aapne kuch cheeze, kuch लॉयन की जो हैं, लायन जो हैं, पैंथर हैं, लैपर्ड हैं, उनको आपने रियल में देखा होगा, कुछ को ओनली इन द फोटोज़. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अरेंज ई ऑल द फैमिली ऑफ द लायन इन दिस ब्लैंक स्पेस. आपको सबकी फ़ोटोज़ इकट्ठी करनी है और इनमें कटिंग करके पेस्ट करनी है. ओके, दिस इज़ योर वर्क. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर चैप्टर. नाउ गेट्स इट. डू यू नो मी? ये कौन बोल रहा है? ये टाइगर बोल रहा है, क्योंकि टाइगर अपनी स्टोरी सुना रहा है. तो वो क्या बोल रहा है आपसे? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? आई एम मेम्बर ऑफ द कैट फैमिली. टाइगर कौन सी फैमिली का मेम्बर है? ही इज़ अ मेम्बर ऑफ कैट फैमिली, मतलब बिल्ली की फैमिली का मेम्बर है. द लायन, द लैपर्ड, द जैगुआर एंड द लायनेक्स आर ऑल मेम्बर्स ऑफ द कैट फैमिली. जो लायन है, जो लैपर्ड है, जैगुआर है, लायनेक्स है, ये सब किसकी फैमिली के मेम्बर हैं? सब कैट की फैमिली के मेम्बर हैं. अगर आपने हिंदी में सुना होगा तो ये सुना होगा ना कि जो बिल्ली होती है वो शेर की मौसी होती है, ऐसा कहते हैं ना बहुत से लोग. तो ये सच है. क्यों मौसी है? बिकॉज द लायन, द लैपर्ड, द जैगुआर, द लायनेक्स, द पैंथर, दिस ऑल आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ कैट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट. द लायन, द लैपर्ड, द जैगुआर, द लायंस, ये सब किसके फैमिली मेंबर हैं? कैट के फैमिली मेंबर्स हैं. समझ में आया इतना? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे टाइगर अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि आई एम द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, मतलब कैट फैमिली का सबसे लार्ज मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर कौन है? टाइगर. आई एम कॉल्ड टाइगर. फ्रॉम द नोज टू द टेल आई एम 10 feet लॉन्ग. OMG, ओ माई गॉड, इतना बड़ा टाइगर. फ्रॉम द नोज टू द टेल, मतलब नाक से लेके टेल तक, पूंछ तक, टाइगर की लंबाई कितनी होती है? 10 feet लंबा होता है. ओके, माई वेट इज़ अबाउट 350 kilograms. और उसका वेट कितना होता है? वेट मतलब हम वज़न करते हैं ना. तो टाइगर कितने किलो का है? टाइगर है 350 kilogram. इतना भारी होता है टाइगर. वी टाइगर्स लिव इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया बट आई लिव्ड इन इंडिया. वो बोल रहा है कि वैसे तो हम एशिया में कहीं पर भी रहते हैं, इंडिया के अंदर, लेकिन वो कहाँ रहता है? वो इंडिया में रहता है. और इंडिया कहाँ आता है? एशिया के अंदर. वेरी गुड. तो टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर बोल रहा है कि मैं इंडिया में रहता हूँ. द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन मी ग्रेट ऑनर, मतलब जो इंडिया के पीपल्स हैं उन्होंने टाइगर को एक बहुत ही बड़ा ऑनर दिया है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट की है, उससे इज्जत दी है. और क्या इज्जत दी है? दे हैव मेड मी देयर नेशनल एनिमल. तो जो टाइगर है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है. हम लोगों ने टाइगर को क्या बना दिया है? हमारा नेशनल एनिमल. नाउ दे डोंट किल मी फॉर स्पोर्ट और फॉर माई स्किन. और अब इंडिया के पीपल टाइगर को नहीं मारते हैं, किल नहीं करते हैं, ना तो उनके स्किन के लिए किल करते हैं और ना ही एक स्पोर्ट्स के लिए किल करते हैं कि चलो शिकार पे चलेंगे और आज टाइगर को मारेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ.
माई बॉडी हैज़ अ लवली कोट, मतलब टाइगर की जो बॉडी होती है ना वो भी एक फरी कोट वाली बॉडी होती, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है फर कोट टाइप की। इट हैज़ द येलो कलर ऑफ एन ऑरेंज, और इसका जो कलर होता है वो येलोइश कलर होता है, ऑरेंज येलोइश मिक्स होता है। आई हैव नैरो ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, आपने देखा होगा कि लकीरें होती है ना स्ट्रिप्स टाइगर की बॉडी में, येस। माई चिक्स आर वाइट, अब टाइगर के तो गाल आपने ध्यान से देखना फोटोज़ में, रियल में तो आप देख नहीं पाओगे, तो टाइगर की फ़ोटोज़ में आप देखना कि जो टाइगर के चिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के। द इनर साइड ऑफ ईच लेग इज़ ऑल्सो वाइट, और आपको बाहर से जो लेग दिखेंगे ना उस पर तो कलर दिखेगा, स्ट्रिप्स दिखेगी, लेकिन इनर साइड जो होगी ना उसके लेग्स की वो कैसी होगी, वाइट कलर की। आई हैव अ लार्ज वाइट स्पॉट ओवर ईच आई, मतलब उनकी जो आँख होती है ना उसके पास जो होता है वाइट कलर का लार्ज स्पॉट, स्पॉट मतलब धब्बा, तो एक धब्बा होता है, काला निशान होता है, ठीक है, वाइट कलर का निशान होता है। माई विस्कर्स आर ऑल्सो वाइट, और विस्कर्स क्या होता है आपने देखा है कि बहुत सारे डॉग्स को या फिर कैट्स को भी आपने देखा होगा, और या फिर रैट्स को, चूहों को, जो उनके बिल्कुल मुंह के पास और नाक के नीचे जो लंबी लंबी एक बिल्कुल धागे जैसी जो मूछें कहते हैं ना अपन, शेर की मूछें है ना, बिल्ली की मूछें जो बिल्कुल एक तार जैसे होते हैं, तो उसे विस्कर्स कहा जाता है, वो भी टाइगर के कैसे हैं, वाइट कलर के हैं। दे आर क्वाइट स्टिफ, स्टिफ का मतलब थोड़े मजबूत होते हैं, वो जैसे नायलॉन का तार होता है ना बस वैसे ही, बहुत कड़क होते हैं ये स्टिफ्स, इसको विस्कर्स कहा जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, माय आइज आर लार्ज एंड राउंड, आइज लार्ज होती है और राउंड होती है। आई कैन सी थिंग्स क्लियरली एट नाइट, रात में टाइगर्स को बहुत अच्छे से दिखता है। आई हैव शार्प ईयर्स एंड गुड नोज, इनके जो ईयर्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, मतलब इनको आवाज़ें अच्छी तरह से सुनाई देती है, इनकी नोज़ बहुत अच्छी होती है, सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। आई कैन हीयर द लोवेस्ट साउंड, मतलब सबसे धीरे जो आवाज़ आती है ना वो भी टाइगर सुन लेता है। आई कैन स्मेल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कितनी भी दूर पे कोई चीज़ हो चाहे एक इंसान हो, टाइगर उसको उस खुशबू से पहचान लेता है कि हाँ यहाँ पे एक इंसान है। माई पॉज हैव पैड्स, मतलब इनके जो पैर होते हैं पंजे वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, जैसे हमारे पैर होते हैं ना फीट्स, ऐसे ही टाइगर के भी फीट्स होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, गद्देदार। दे मेक नो साउंड वैन आई वॉक और रन, तो जब टाइगर रन करता है या वॉक करता है तो उनके पैरों की आवाज़ नहीं आती है, थोड़े स्पंजी से होते हैं इसलिए आवाज़ नहीं आती है। मीट इज़ माई फेवरेट फूड, आई डोंट लाइक फ्रूट्स मिल्क और वेजिटेबल्स, आई लाइक द फ्लैश ऑफ पिग्स गॉट्स एंड डियर, आई ऑल्सो लाइक बफेलो मीट, आई किल एन एनिमल ओनली वैन आई एम हंग्री, आई नेवर किल फॉर स्पोर्ट, मतलब यहाँ पे टाइगर ये कह रहा है कि मुझे मीट पसंद है, मेरा फेवरेट फूड मीट है, मुझे ये फ्रूट्स फल सब्जियाँ या मिल्क पसंद नहीं है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कौन कह रहा है, टाइगर बोल रहा है कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पिग्स को खाना, मार के गोट्स को खाना, डियर्स को खाना, बफेलो जो है उसका फेवरेट मीट है। अब सीधी बात है बच्चों की, जो टाइगर है वो शिकार करके खाता है, दूसरे जानवरों को खाता है, इसीलिए उसे मीट वगैरह पसंद है, और टाइगर ये कहता है कि मैं तभी खाता हूँ, टाइगर तभी किसी जो जानवर है उसे तभी मार के खाता है जब उसे ना बहुत भयंकर भूख लग रही होती है, जब वो हंग्री होता है, वो कभी भी किसी जानवर को ऐसे स्पोर्ट्स के लिए या ऐसे ही मारता नहीं है, अगर उसे भूख लगेगी तो ही वो किसी एनिमल को किल करेगा, अदरवाइज़ वो किसी भी एनिमल को नहीं मारेगा। ये कौन बता रहा है, ये टाइगर बता रहा है। आपको पता होना चाहिए कि टाइगर जो है वो हर्बीवोरस नहीं है, टाइगर इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, दैट्स वाई ही इज़ ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, गॉट इट, ओके। नाउ टर्न द पेज, वी विल रीड द नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे टाइगर क्या बोल रहा है, आई डोंट लाइक द हॉट सन, आई लव द कूल शेड ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज, मतलब टाइगर को धूप पसंद नहीं है, हॉट सन पसंद नहीं है, तो वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, ट्रीज की शेड में, मतलब पेड़ों की छाँव में। आई स्लीप बाय डे एंड हंट बाय नाइट, मतलब वो दिन में तो सोता है, और शिकार कब करता है, रात को।
आई डोंट हंट इन पैक्स. इन पैक्स का मतलब कि वो ग्रुप के अंदर हंट नहीं करता. वो जब शिकार के लिए जाता है तो वो ग्रुप में नहीं जाता है. आई लव टू हंट अलोन. वो अकेला शिकार करता है. आई लव टू ईट इन अ क्वाइट प्लेस. मतलब उसे अगर खाना भी खाना है उसका तो वो एक क्वाइट प्लेस मतलब एक बिल्कुल शांत जगह पे जाता है और वहाँ जाके खाता है वो. सो आई ड्रैग माई किल टू अ कॉर्नर. अब यहाँ पे ड्रैग का मतलब होता है हम किसी चीज़ को खींच के लाना. तो वो अपना जो किल है, किल मतलब जिस जानवर को वो मारता है, तो उसे खींच के कहाँ लाता है? कॉर्नर में लाता है, एक कोने में ले जाता है, आराम से शांति से बैठ के खाता है. आफ्टर ईटिंग माई फिल आई गो टू अ पूल और रिवर फॉर वाटर. आफ्टर ईटिंग माई फिल मतलब जितना उसको भूख लगती है उतना उसने खा लिया, पेट भर गया. अब पेट भरने के बाद हम भी वही करते हैं जो टाइगर करता है, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं. तो टाइगर भी पूल के पास जाता है, रिवर के पास जाता है और वहाँ जाके पानी पीता है. आई कैन रन वेरी फास्ट. टाइगर बोल रहा है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ. I can swim also. Tiger swim भी कर सकता है, तैर भी सकता है पानी में. I am not good at climbing trees. लेकिन टाइगर पेड़ों पे नहीं चढ़ सकते हैं. Okay? But I can jump to a great heights. लेकिन टाइगर जो है वो बहुत ऊँची छलांग लगा सकते हैं. और कितनी ऊँची छलांग लगा सकते हैं? I can jump to a height of 18 feet. मतलब 18 फिट ऊंची छलांग टाइगर लगा सकता है. बहुत बड़ी छलांग हो गई है क्योंकि टाइगर है ही इतना बड़ा. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉरेस्ट इज़ माय होम. व्हेन आई वाज यंग आई लिव्ड विद माय मदर इन अ केव. मतलब फॉरेस्ट जो है वो टाइगर का होम है. लेकिन जब ये छोटा था, यंग था, तो ये किसके साथ रहता था? इसकी मदर के साथ. कहाँ पे? गुफा में. I had a brother and a sister also. मतलब टाइगर का भाई भी था, बहन भी थी, पूरी फैमिली. How I loved both of them. I don't know where they are. मतलब वो कहता है कि मुझे मेरे भाई बहनों से बहुत प्यार था, लेकिन अब वो लोग कहाँ रहते हैं ये मुझे पता ही नहीं है. We lived with our mother for 1 year. ये लोग अपनी मदर के साथ कितने टाइम तक रहते हैं टाइगर? सिर्फ 1 year तक. और क्यों रहते हैं? She gave us lesson in hunting. वो उनकी जो मदर हैं उन्हें हंटिंग के लेसन मतलब शिकार करना सिखाती है. उन वो कहते हैं कि शी वॉज़ वेरी गुड टीचर. उनकी जो मदर है वो बहुत अच्छी टीचर है. शी टॉट अस द आर्ट ऑफ हंटिंग. हमारी माँ हमें शिकार करने के तरीके या कला बताती है. वी लर्नड दिस आर्ट वेरी क्विकली. और हम इस आर्ट को बहुत जल्दी सीख जाते हैं. Now our mother didn't have to hunt for us. और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी माँ को हमारे लिए शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now our mother didn't have to hunt for us. अब हमारी मदर हमारे लिए शिकार नहीं करती है. We could easily hunt for our own food. और हम हमारे खुद के लिए शिकार कर सकते हैं क्योंकि अब हमने शिकार करना सीख लिया है. So we made separate homes for ourselves. इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने खुद के लिए अपना खुद का एक घर ढूंढ लेते हैं और वहाँ जाके रहते हैं. My own home is in a big cave in the forest. तो यहाँ पे टाइगर कहता है कि मेरा खुद का जो घर है वो कहाँ है? गुफा के अंदर, फॉरेस्ट में है. क्योंकि अब जो टाइगर है वो अकेला रहता है और अब टाइगर अपनी मदर, ब्रदर या सिस्टर के साथ नहीं रहता है. उसने 1 साल अपने मदर के साथ रहा, पूरी ट्रेनिंग ले ली हाउ टू हंट, और अब वो सेल्फ अपने लिए हंट करता है, खाता है और अपनी केव में रहता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स. यस. नाउ अब टाइगर क्या बोल रहा है? सम ईयर्स एगो विच टाइगर्स वो मैनी थाउजेंड्स इन नंबर. मतलब बहुत कुछ साल पहले टाइगर्स की जो संख्या थी वो हज़ारों में थी. अब तो कम हो गई है, लेकिन पहले टाइगर्स बहुत ज़्यादा संख्या में थे इंडिया में, या मैं कह सकती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में. वी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड हैड इनफ टू ईट. वो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको खाने के लिए बहुत कुछ था. वी एट द फ्लैश ऑफ वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल के फ्लैश खाते थे वो. बट देन मैन स्टार्टेड किलिंग अस. लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो मैन है, ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने किसको मारना शुरू कर दिया?
किसको मारना शुरू कर दिया, टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मैन ने क्या करा, ही कट डाउन द फॉरेस्ट वेयर वी लिव्ड, और उन्होंने फॉरेस्ट को भी, जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया। इस वजह से जो मैन है वो टाइगर्स के क्या बन गए, एनिमी बन गए, मतलब दुश्मन बन गए। द डॉग इज़ द नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट, ये सबको पता है कि जो डॉग है वो किसका नेचुरल एनिमी है, कैट का। अच्छा, और रेड जो है चूहे का नेचुरल एनिमी कौन है, कैट है ना। दौड़ बिल्ली चूहा आया या दौड़ चूहा बिल्ली आई, चूहा दौड़ जाता है ना जब बिल्ली आती है तब, यस। और वैसे ही द मंगूस इज़ द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक, जो स्नेक है, सांप है, उसका नेचुरल एनिमी कौन है, मंगूस यानी कि नेवला। बट द टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमी, टाइगर का कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, क्यों, क्योंकि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, ही इज़ द किंग। सो हाउ कुड इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज़ एनीबडी हु विल बी द एनिमी ऑफ टाइगर, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। ओके, ओनली मैन इज़ अवर एनिमी, कौन है अब टाइगर का एनिमी, मैन। क्यों है, क्योंकि जो मैन है इज़ कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एज वेल एज ही इज़ किलिंग दैम ऑल्सो। और यहाँ पे रीज़न बता रहा है टाइगर कि ही हैज़ टेकन अवे फ्रॉम अस अवर होम एंड फूड, मतलब जो ही यहाँ पे, मतलब ह्यूमन बींग पीपल्स, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ही हैज़ टेकन अवे From us our home and our food, मतलब जो human beings है उन्होंने हमसे हमारा खाना भी छीन लिया, हमारा घर भी छीन लिया। इसीलिए जो human beings है, जो peoples हैं, वो क्या हो गए, हमारे enemy बन गए, दुश्मन बन गए। okay? Some of the tigers are very angry, इसीलिए जो कुछ tigers है वो बहुत angry हैं, किस पे, human beings पे। They have become man eaters, अब वो क्या बन चुके हैं, कुछ tigers man eater, मतलब वो man को भी मार के खा जाते हैं। पहले तो वो animals को ही मारते थे, लेकिन जब man ने उनके साथ ये गलत करना शुरू किया तो tigers ने भी man के साथ गलत करना शुरू कर दिया, उसने भी man को मारना शुरू कर दिया। So I hope kids you understood the chapter, ये थी पूरी टाइगर की कहानी जो टाइगर ने आपको बताई। I hope कि आपको टाइगर के बारे में अब सब कुछ पता चल गया, और अगर कोई आपसे पूछेगा टाइगर के बारे में 5 पॉइंट तो आप आराम से बता सकोगे, इट इज़ वेरी ईजी नाउ, है ना, अब टाइगर के बारे में पता चल गया ना। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली, एंड इफ देर इज़ एनी डाउट यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। So, till then, for the next video, bye-bye students. Have fun.